नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच केंद्र की मोदी सरकार पर गरीबों के करोड़ों रुपए लूटने का लगाया आरोप। कपाली पुलिस ने दो मोबाइल और नकद के साथ चोर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आजाद नगर में ऑटो चालक और दो पहिया वाहन चालक के बीच हुई झड़प। और एमजीएम अस्पताल के समीप दो पहिया वाहन पर सवार नशेड़ियों ने चाकूबाजी की घटना को दिया अंजाम। खबरें अब विस्तार से। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय पहुंच केंद्र की मोदी सरकार पर गरीबों के करोड़ों रुपए लूटने का आरोप लगाया। साथ ही सूर्य मंदिर में हो रहे विवाद पर सरयू राय और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को आड़े हाथ लिया। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंप कर केंद्र की मोदी सरकार को लुटेरा की उपाधि दी। जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश की जनता के करोड़ों रुपए गैस और पेट्रोलियम पदार्थ की वृद्धि के नाम पर लूट लिए हैं। उन्होंने कहा, राजस्थान सरकार और कर्नाटक सरकार का देखा देखी केंद्र सरकार गैस के दामों में 200 रुपए की कमी कर देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार को लूट खसोट मचाने किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने सूर्य मंदिर विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दोनों एक ही इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं, जो मंदिर पर ही कब्जा जमाने में लगे हुए हैं। साफ तौर पर उनकी गंदी मानसिकता उजागर हो रही है कि करीब 32 करोड़ लोगों से पिछले 9 वर्षों से मोदी सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपये लूट लिए। गैस सिलेंडर के कीमतों में बढ़ोतरी करके, डीजल पेट्रोल के कीमतों में बढ़ोतरी करके, और आज जब चुनाव सर पर आया है, हमारे राजस्थान की सरकार ने 500 रुपया सिलेंडर कर दिया, जब कर्नाटक की सरकार करने जा रही है कि हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, इन लोगों ने उनका देखा देखी नकल करने के लिए 200 रुपया कम किया। हम लोग का कहना है कि भैया, मने आपने जो 8 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपये लूटे हैं आम जनमानस के, ये पैसे आप अगर न्याय चाहते हैं और कहते हैं कि रक्षाबंधन में हम बहनों को तोहफा दे रहे हैं, तो तोहफा की आवश्यकता नहीं है। आपने जो इनके पैसे लूटे हैं, इनके खाते में वापस दे दीजिए। हम लोग ये मान लेंगे कि आप एक भाई हो, कम से कम लुटेरा नहीं हो, आपने बहनों के लिए साथ लूटपाट नहीं किया। हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई की, हम लोग बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, हम लोग बात कर रहे हैं किसानों की, हम लोग बात कर रहे हैं मजदूरों की। दूसरे तरफ आप अपने जमशेदपुर में देखिए, एक ही इंस्टीट्यूट के दो विद्यार्थी, और दोनों जो है ना महंगाई पर बात करते हैं, ना रोजगार पर बात करते हैं, ना दोनों में से कोई भी किसानों की बात करता है, ना मजदूरों की बात करता है। ये दोनों लोग सूर्य मंदिर पर भिड़े हुए हैं, और सूर्य मंदिर हमारा होना चाहिए तो हमारे दखल में होना चाहिए। हमें समझ में नहीं आता कि ये नेता हैं या महंत हैं। इनको महंत होना चाहिए था दोनों लोगों को, तब महंती की लड़ाई लड़ते तो हम लोग को समझ में आता। लेकिन भैया, आप नेता हो, आपको कैसे हम लोग समझाएं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री है इस देश का, इस राज्य का, दूसरा वर्तमान विधायक है। एक कहता है कि भैया, आप अब कम से कम हमको जनता ने चुन के यहाँ का आधिपत्य दे दिया, तो उस आधिपत्य में सूर्य मंदिर का भी लूटपाट हमारे आधिपत्य में आ जाना चाहिए। दूसरा कहता है, सूर्य मंदिर हम बनाए इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री का सारा लेन देन मेरे पास है, भैया हम तुमको कैसे दे दें। हम लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भैया, मंदिर के लिए मत लड़िए, यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़िए। आप लोग दोनों लोग यहाँ के लोगों को भरमाने का कोशिश मत कीजिए, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए लड़िए, यहाँ के नौजवानों के शिक्षा के लिए लड़िए, यहाँ के नौजवानों के भविष्य की लड़ाई लड़िए। हम सभी लोग आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आप एक दिन जुलूस निकालोगे कि सूर्य मंदिर में ये होना चाहिए, दूसरा दिन आपका भाई जुलूस निकालेगा कि सूर्य मंदिर में ये होना चाहिए, और दोनों लोग अपने आका को खुश करते हैं कि देखिए, हमने आम जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, इन सारे चीज़ों से हटा करके, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सब से हटा करके सूर्य मंदिर पर केंद्रित कर दिया है। ये कांग्रेस नहीं होने देगी। कांग्रेस सीधा चाहती है कि सीधे मुद्दे पर बात होना चाहिए। मंदिर हमारा भी है, हम भी उस मंदिर में पूजा करने जाते हैं,
लेकिन हम कभी उस पर अपना आधिपत्य नहीं जताते। इधर कपाली पुलिस ने 2 मोबाइल और नगद के साथ एक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सरायकेला खरसवा जिले के कपाली यूपी पुलिस द्वारा कपाली के डागरडीह निवासी इम्तियाज हुसैन के घर पर बीते माह 3 मोबाइल फोन समेत 40,000 नगद की चोरी चोरों द्वारा कर ली गई थी। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में जमशेदपुर के आजाद बस्ती रोड नंबर 15 निवासी मोहम्मद साजिद उर्फ राजा उर्फ बकरी चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इम्तियाज हुसैन के घर से चोरी हुए 3 मोबाइल में 2 मोबाइल फोन और 40,000 रुपए नगद के बदले 1,200 रुपए बरामद किया। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि घटना में 2 आरोपी शामिल थे, जिसे जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय हिरासत में भेज दिया जाएगा। वहीं अभी जमशेदपुर के मोहम्मद साजिद उर्फ राजा को गिरफ्तार कर हिरासत भेजा गया। इस संबंध में कपाली ओपी के थानेदार संदीप ने बताया, कपाली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और क्षेत्र में शांति कायम रखे नहीं तो क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर आजाद नगर स्थित रोड नंबर 10 के समीप ऑटो चालक और 2 पहिया वाहन के चालक के बीच बकझक हो गई। 2 पहिया वाहन चालक ने लाठी से मारकर ऑटो का शीशा तोड़ दिया। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 10 के समीप ऑटो चालक और 2 पहिया वाहन के चालक के बीच आपसी विवाद को लेकर बकझक हो गया। इस बीच 2 पहिया वाहन चालक ने लाठी से मारकर ऑटो का शीशा तोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला ऐसा हुआ कि ये गाड़ी जा रहा था इधर से, वो बैग लेकर के घुस रहा था यहाँ से। बैग लेकर घुसते घुसते एक बैग रोका, अब बोला तुम ऐसे गाड़ी चला गया, तुम नशा किया हुआ है। बोला ड्राइवर को मारने लगा, शीशा तोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन लड़का लोग था ये सर? क्योंकि वो लोग बोलता कि चौक का है, हम लोग क्या है नहीं है, अब तो वही लोग जानते हैं। कितना लड़का लोग था लोग? लेकिन वो लड़का ड्राइवर को बैठा करके अपना गाड़ी में कहीं लेकर पैसेंजर बैठा होता, लेडीज वगैरह सब बैठी हुई। क्या चीज से तोड़ा शीशा? एक लाठी से तोड़ा है मार करके, एक लाठी से डंडा था उससे मार के इसको तोड़ा है। कितना लड़का लोग था? वो लड़का अकेले ही था, वो सिंगल लड़का था। यहाँ पे हम लोग भी आकर के बोले नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम मारपीट क्यों कर रहा भाई, तुम मारपीट मत करो, तुम जाओ थाना जाओ, जो हरियाणा उधर भैया हो जाओ। किस बात को लेकर हुआ, क्या ओवरटेक में? बात ऐसा था कि कोई ओवरटेक नहीं, वो गाड़ी आ रहा था यहाँ से सीधा रोड से, और रोड से आते हुए वो लड़का बाइक में बहुत बाई में था, कैंची मारा हो डायरेक्ट, कैंची मारा और ड्राइवर को बोला रुक, तुम गाने पे गाड़ी चला रहा, डायरेक्ट मारने लगा। और कोई बात नहीं है, ड्राइवर का कोई गलती नहीं है। मारपीट हो रही है। अच्छा, उसके बाद बस हम लोग सत्यापन के लिए आए हुए, जो भी इसमें उचित जो उचित वही। एमजीएम अस्पताल के समीप 2 पहिया वाहन पर सवार नशेड़ियों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। सांची स्थित एमजीएम अस्पताल के समीप 2 पहिया वाहन पर नशेड़ियों ने पप्पू शाव नामक दुकानदार पर चाकू चला दिया और दुकान में रखे नगद राशि को भी लेकर फरार हो गए। घटना के संबंध में भुक्तभोगी के द्वारा थाना में मामला दर्ज कराया गया है। नाश्ता करने आया, 2 लड़का था, दोनों और अब नाश्ता किया, लोग पैसा मांगे हैं तो रंगदारी दिखाया है लोग, उससे लोग उसके बाद बदतमीजी भी किया है लोग। उसके बाद वो मेरा भाई आया है छुड़ाने के लिए, बोलने के लिए, तो इसे भी हाथापाई किया है लोग, हाँ मारपीट भी किया और तो चक्कू मारा हुआ है लोग। सामान वही लोगों ने फेंका है, हाँ बाइक से आया था, एगो जेल चौक का है, एगो बड़ा दुआरी तरफ का है, हाँ दोनों दोस्त है, दोनों पूरा पिया हुआ था। पैसा मांगने का बारी तो रंगदारी दिखाया है। पप्पू सा, हम गन्ना दुकान और दाब दुकान लगाते हैं, यहाँ देखे हम एक बार झगड़ा कर रहा, पकड़ा पकड़ी धड़ाधड़ी कर रहा था, तो हम आए बचाने के लिए, पॉकेट में चक्कू था, चक्कू निकाला मारने के लिए, फिर दुकान पे मेरा गया, एक जन पकड़ लिया, एक जन पैसा छीन के भाग गया, हाँ मारा दिया। यहाँ तो हम देखा नहीं, झगड़ा हो रहा था, मतलब धक्का धक्की हो रहा था, तब हम दौड़ क्या, बहन बोली वो नाश्ता किया, पैसा मांगा नहीं दिया, तब गाली गलौज कर रहा था, हाँ एगो पकड़ लिया था, एगो पकड़ के मतलब मरने का कोशिश कर रहा था, हाँ दोनों पी के कह के हम बचाने आए, तो फिर हम दुकान पे गए, फिर वो लोग पीछे पीछे गया, एगो पकड़ लिया, एगो पैसा छीन के भाग गया, 16,000 रुपये महाजन को देने के लिए रखे थे, हाँ मारा भी है, हाँ सर थाना में लिखित दिए, थाना में लिखित दिए तो चक्कू मारा ले, वो तो पब्लिक मोमेंट आप पकड़ लिया, नहीं तो चक्कू मार देता हमको, भाग गया, हाँ एगो भाग गया, एगो पैसा निकाला भाग गया,
दूसरा यहीं पर हम पकड़ के रखे, वो कहाँ आ गया? तो उस वो भी भाग गया। हाँ थाना में लिख के दिए, एगो जेल चौक में किशन नाम है, एगो रामलीला मैदान के पास रहता है। हाँ बराबर पी करके आगे कचरा करता है। और टाटा स्टील बोनस समझौता में कोयलारी यूनियन के अध्यक्ष के रूप में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने बोनस समझौता पर यूनियन की तरफ से हस्ताक्षर किया। इसके बाद परिसदन में कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिला परिषद सदस्य सह वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर परितोष सिंह एवं उनकी टीम ने विधायक अनूप सिंह का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के क्रम में विधायक अनूप सिंह ने कहा कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इस बार कम हुआ है, बावजूद इसके 20% बोनस दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोयलरी के क्षेत्र में अधिकतम 3,40,000 और न्यूनतम 27,000 का बोनस राशि कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं विधायक अनूप सिंह ने डुमरी उपचुनाव के विषय में कहा कि वहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। राज्य में गठबंधन की सरकार को लगातार सफलता मिल रही है और राज्य विकास की रफ्तार पकड़ चुका है, इसी कारण क्षेत्र की जनता भी भाजपा और एनडीए के प्रत्याशियों को हार का मुंह दिखाएगी। ज्यादातर लोग से मेरा घरेलू संबंध है, निश्चित तौर पर मैं ये बता सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन का चुनाव वहाँ पे लड़ना ये एक बात हो सकती है, लेकिन डुमरी सीट की जीत इंडिया के झोली में जाना ये सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ माता जी के सम्मान के रूप में और उनको जो लोग प्यार करते थे और जो उन्होंने कर्मठता दिखाते हुए काम किया उसके आधार पर हम जीतने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जनता अभी भी उभर नहीं पाई है, जिस तरीके से दादा हम लोग को छोड़ कर गए हैं, लोगों में एक निराशा है, एक अदाशा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम लोग वो सीट भारी मात्रा में जीतने जा रहे हैं। और सांची स्थित गोलचक्कर के समीप महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने धरना दिया, भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। सांची स्थित गोलचक्कर के समीप महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकतंत्र को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी यहां पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है और हमारी मांग है, हमारा मांग है कि हमारा देश इस लोकतंत्र के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। इसी के दौरान हम ये धरना प्रदर्शन के दौरान अपने देश की जनता को, लोगों को समझा रहे हैं कि डिक्टेटरशिप जो है उसको ख़त्म होनी चाहिए। तो 2024 में ऐसा फैसला ले जनता, ऐसा फैसला ले, ऐसा निर्णय ले कि इस डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया जाए और इस लोकतंत्र को बचा करके लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से देश को चलाए। इधर केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए के कटौती को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी स्टंट करार दिया है। जमशेदपुर जिला कांग्रेस के द्वारा इसके खिलाफ साक्षी आमबगान मैदान में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्ष 2014 में जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, आज उसे केंद्र सरकार ने 1100 रुपए तक पहुंचा दिया है और अब लोकसभा चुनाव सामने आने के बाद केवल दिखावा हेतु रक्षाबंधन के वक्त 200 रुपए दाम कम कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि यह केवल चुनावी स्टंट है और देशवासियों को इस बात को समझना होगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, दोबारा भाजपा सत्ता में आ जाती है तो 200 के बजाय तुरंत 400 रुपए कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के ऊपर यह अत्याचार कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। देखिए, महंगाई के विरोध में मोदी सरकार के द्वारा किया गया वादा सभी में उन्होंने देश के लोगों को छलने का काम किया है। आज राखी के नाम पे देश की आवाम बहनों के साथ इन्होंने एक भद्दा मजाक किया है, बोलते हैं कि ये राखी का तोहफा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 से आप सरकार में चुने हैं, कितनी राखियाँ बीते? उस दिन बहनों की याद नहीं थी? जब साल भर बचा है चुनाव, 6 महीना बचा है चुनाव, तो आप बहनों को सरप्राइज के रूप में 200 रुपया गिफ्ट दे रहे हैं? ये कैसी परंपरा ये चालू करें, हम ही से लूट कर हम ही को ये वापस कर रहे हैं? तो हम सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी देश के जनता के साथ हैं। देश की पीड़ा कांग्रेस पार्टी की पीड़ा है, उसी पीड़ा को देखकर हम मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। अपनी मांग को तानाशाह मोदी सरकार को पहुंचाना चाहते हैं कि आपके करनी और करनी में फ़र्क है। आप एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाते हो, हम देश के नागरिक हैं, हम कड़ा विरोध करेंगे क्योंकि आपने
देश के लोगों को गुमराह कर 2014 में यही शब्द थी आपकी कि कांग्रेस को सरकार नहीं चलाने आती है। जिस दिन हम सरकार में आएंगे हम देश को बेरोजगार मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। क्या ये कैसा बेरोजगारी आपने मुक्त किया है, कैसा महंगाई मुक्त किया है? आपके आने के बाद 2014 में जो सिलेंडर 400 में बिकता था, आपने लगातार 70 वर्षों में जो 400 रुपया आया था, आपको इस बात को समझना होगा। 2023 आते आते आप 9 साल में इनके कार्यकाल में इन्होंने 1100 रुपया कर दिया। आप जोड़ लीजिए कि कितना रुपये का फ़र्क आया। और इन्होंने हम ही से लूट के 200 रुपये हमें वापस किया है। मैं आपके मैंने वचनबंध हूँ इस बात को लेकर कि इनकी नीति है कि 2024 में हम जीत कर आएंगे। और 200 इन्होंने आज जो कम किया है, जस्ट 400 करके ये हम ही से वापस लेंगे, तो हम कांग्रेस कार्यकर्ता इसकी कड़ी विरोध करते हैं। उधर MGM अस्पताल परिसर में तेज रफ्तार बारिश से हाहाकार, इमरजेंसी वार्ड में घुसा पानी, मरीज हुए परेशान। MGM अस्पताल परिसर में तेज रफ्तार बारिश से मरीज परेशान रहे। इमरजेंसी वार्ड में पानी घुसने से अफरा तफरी का माहौल रहा। दिक्कत यही है कि बार बार बारिश आने से हम लोग को दिक्कत होता है, तो घर रूम में घुस जाता है पानी। अच्छा। जब हम लोग को बहुत दिक्कत होता है पेशेंट के साथ में पानी में और उठने में बहुत दिक्कत होता है, रूम भर जाता है पानी पूरा भर अंदर भर जाता है। हाँ। परेशानी हो रहा बहुत, परेशानी बहुत हो रहा है। इमरजेंसी में है, क्या परेशानी हो रहा है यहाँ बताइए। वो पानी ज़्यादा गिरने से पानी घुसता है खिड़की से। अच्छा। पानी जाम हो जाता है, लेवल लेवल परेशानी होता है, बेड को घुसाना पड़ता है। कितना परेशानी हो रहा पेशेंट को लेकर? परेशानी हो तो परेशानी होता है, बेड को घुसाना पड़ता है बार बार पानी गिरता है। तो क्या कहना चाहेंगे MGM के अधीक्षक से? पानी का व्यवस्था करें, पानी घुस रहा जो खिड़की से नहीं घुसना चाहिए, इस पर ध्यान दें। वही मुखी समाज का चुनाव आगामी 10 सितंबर को होना है, मुखिया पद के लिए गोविंद मुखी ने ठोका ताल। मुखी समाज का चुनाव आगामी 10 सितंबर को होना तय है, जिसमें मुखिया पद पर गोविंद मुखी ने अपनी दावेदारी पेश की है। जीतने से मैं यही आशा करूंगा आपका साथ रहे तो समाज के लिए एक इतिहास रचने का काम करूंगा, समाज की जो जो कमियां है उसे दूर करने का काम करूंगा, शिक्षा क्षेत्र का हो, रोजी रोजगार का हो। और कदमा स्थित ब्रह्मा लोक प्रांगण में ब्रह्मानंदम शिक्षयातन के तत्वाधान में शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कदमा स्थित ब्रह्मलोक प्रांगण में ब्रह्मानंदम शिक्षयातन की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं डिमना रोड स्थित राजस्थान भवन प्रांगण में बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मेरा प्रयास रहा है कि जो मानदो में और खासकर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में जो भी शिक्षक है, प्राइमरी स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल से हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसरों को बुलाकर उनके चरणों में अपना सूस झिकाऊं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने किताबों में पढ़ा है कि भगवान की मूरत होते हैं गुरु, कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। वही विजय गार्डन में 2-3 माह से अनियमित जलापूर्ति से 7,000 परिवार प्रभावित है, स्थानियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बारेड़ी स्थित विजय गार्डन के 700 परिवार पिछले 2-3 माह से अनियमित जलापूर्ति से परेशान हैं। इस समस्या से विजय गार्डन के फेज 1, 2 एवं 3 के सभी फ्लैट वासियों को जूझना पड़ रहा है। इसको लेकर आज फ्लैट वासियों ने परिसर में प्रदर्शन किया। यहाँ के निवासी डॉक्टर SK मित्रा ने बताया कि यहाँ 700 फैमिली रहते हैं, यहाँ पिछले 2-3 माह से अनियमित जलापूर्ति हो रही है, किसी दिन पानी की आपूर्ति ही नहीं होती है, जबकि कभी उसकी स्पीड कम रहती है, कभी कभी कम समय के लिए जलापूर्ति होने से पानी स्टॉक नहीं हो पाता है, इससे घर के सभी कार्य संपादित होने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जुस्को के बेरुखी से परेशानी बढ़ी। बताया गया कि यहाँ जलापूर्ति जुस्को की ओर से की जाती है, यहाँ के सोसाइटी व जुस्को के समझौता के तहत जलापूर्ति की जा रही है, परंतु पिछले 2-3 माह से अनियमित जलापूर्ति की जा रही है, इसके बेरुखी से लोग त्रस्त है। मांग की गई कि जलापूर्ति नियमित करे, परंतु ढाक के 3 पात साबित हो रहे हैं। डॉक्टर मित्रा ने बताया कि मांगे जल्द नहीं होने पर सभी फ्लैटवासी मिलकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। स्ट्रीट आलिया वाला स्ट्रीट है, मंडे मॉर्निंग नो हैसल हेयर, 5 मिनट वाला स्ट्रीट है, वेकेशन वाला फ्रिज फ्री है,
केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश एक्टिवली केयर्स प्योर है एंड गिव्स यू नेचुरली स्ट्रेट फ्रिज फ्री है इन जस्ट 5 मिनट्स। योर हेयर योर वे फिलिप्स। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 06572320075। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पोटका जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई ना करे, 3 घंटे सड़क जाम करने वाले लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करे। सूरज मंडल ने कहा कि पिछले लगभग 1 साल से भिलाईटी और उड़ीसा रोड के 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। एक बार झगड़ा होने के बाद कोवाली थाना में दोनों पक्ष में समझौता भी हुआ था, फिर दोनों पक्ष में एक बार झगड़ा हुआ है। प्रशासन से मांग करते हैं कि एक तरफा कार्रवाई ना करे, प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रही है, निष्पक्ष होकर प्रशासन कार्रवाई करे, जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई हो। ये बच्चों का जो झगड़ा है, इसमें जो नेता है उन लोग को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ और मुझे आज तक ये नहीं कोई बोल सकता है कि मैं इसके पूर्व किसी भी पक्ष को सपोर्ट किया या किसी भी पक्ष को ये किया। मेरे से जो हुआ हम दोनों पक्ष को समझौता कराए और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जो भी दोषी है, लेकिन प्रशासन आप सही जांच करें और एक पक्ष से कार्रवाई ना करें, दोनों पक्ष जो भी दोषी है, मैं भी आप प्रशासन का सहयोग करूंगा। इधर श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी आम बगान द्वारा भूमि पूजन किया गया। पूजा पंडाल और विद्युत सज्जा शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी आम बगान इस बार गोल्डन जुबली बना रही है। पुराने जमाने में जमींदार की जो हवेली होती थी उसका रूप दिया जाएगा इस बार पूजा पंडाल को, साथ ही साथ चंदन नगर से आकर्षक विद्युत सज्जा और प्रतिमा शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। चतुर्थी और पंचमी को कोलकाता से आ रहे कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और यहां षष्ठी के दिन यात्रा का आयोजन किया गया। रविवार को विधिवत रूप से पूजा पंडाल का भूमि पूजन किया गया, जिसमें कमेटी के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी आम बगान द्वारा शहरवासियों से आग्रह किया गया कि एक बार इस पूजा पंडाल का भ्रमण शहरवासी अवश्य करे। हमारा इस बार गोल्डन जुबली है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करने हम लोग जा रहे हैं आम बगान मैदान में। इस बार पंडाल जो है वो पुराना दिन का जो जमींदार घर का जो पुराना हवेली होता है वो ढंग से हम पंडाल बना रहे हैं। पंडाल आया है कठुआ से बेंगलोर का, लाइटिंग मेरा आ रहा है चंदन नगर से, लाइटिंग भी हमारा खूबसूरत लाइटिंग होगा, जमशेदपुर के आदमी देखते रह जाएंगे, ऐसा हम लाइटिंग का व्यवस्था किए हैं। मूर्ति मेरा आ रहा है इस बार चंदन नगर से। हमारा चतुर्थी के दिन हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं पूजा पंडाल का। चतुर्थी पंचमी 2 दिन हम लोग का प्रोग्राम होगा, कलकत्ता का आर्टिस्ट आ रहा है और जो हम लोग का बंगाली ट्रेडिशनल जो यात्रा हम लोग कर रहे हैं षष्ठी का, जो पुराना हम लोग का यात्रा जो है यात्रा को हम लोग कर रहे हैं षष्ठी का दिन। हम सब
जमशेदपुर वासी से आग्रह करेंगे, आप सब आइए हमारा पंडाल में। बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का माह सितंबर 2023 आवंटन के सुधार करके नई आवंटन देने की मांग उपायुक्त से डीलरों ने की। बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत कार्यरत सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का कहना है कि माह सितंबर 2023 के विरुद्ध जो आवंटन निर्गत किया गया है उसमें भारी कटौती किया गया है, जिससे कई दुकानदारों का आवंटन शून्य हो गया है, जिससे कार्डधारियों के बीच खाद्यान्न वितरण करना संभव नहीं हो पाएगा। स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट PMGKY सितंबर 2022 से दिसंबर 2022 तक का जो निर्गत किया गया है उसमें भी भिन्नता पाई गई है। जैसे कि कुछ दुकानदारों को माह नवंबर एवं दिसंबर 2022 का PMGKY के विरुद्ध चावल नहीं मिला, जबकि स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट में उठाव दिखाया गया है। इस प्रखंड के सभी दुकानदारों का वितरण प्रतिशत प्राय 94% से 99% के बीच होता है। इस परिस्थिति में हम सभी दुकानदारों का खाद्यान्न का स्टॉक ज्यादा दिखाया गया है। कटौती आवंटन जब 0-0 आ गया तो वहाँ डीएर लोग को पता चला कि मेरा माल कटौती हो गया है और मेरा DSD कर दिया गया है नवंबर सितंबर से लेकर दिसंबर तक। इसलिए हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं और हम लोग मांग है कि जिनका भी राशन शून्य हुआ है या कटौती हुआ है, जिनको माल नहीं मिला है, वो सभी दुकानदारों को माल चावल गेहूँ आवंटन मिले, जिसे हम आम जनता को राशन कार्डधारियों को हम माल दे सके। ऐसे भी झारखंड में बहुत सा क्षेत्र में धान का रुपाई नहीं हुआ है, लोग भुखमरी के कगार पर हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इसी राशन पर ही निर्भर है, उनका रोजी रोटी चल रहा है। इधर पोटका के जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल के भाई सागर मंडल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भिलाईडी गाँव के लोगों ने हल्दी पोखर में मशाल जुलूस निकाला। वहीं प्रकाश सरदार ने कहा कि जल्द से जल्द प्रशासन मुख्य आरोपी सागर मंडल को गिरफ्तार करे, नहीं तो विरोध जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के दिन भिलाईडी गांव के युवक सूरज सरदार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसको लेकर भिलाईडी गांव के लोगों में आक्रोश व्यक्त है। प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जिला परिषद का भाई सागर मंडल और उनके कुछ साथी द्वारा बहुत बेरहमी से घसीट कर मारा गया है। इसलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए कि आप औलों की गिरफ्तारी हम लोग को चाहिए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहिए। वही हितको के स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक दास ने कहा कि UCIL नरवा पहाड़ द्वारा प्रभावित ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा से मनमानी तरीके से वंचित करने के संबंध में आज जिला के उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर अवगत कराया गया है। क्षेत्र का आदमी आज 38 साल से ईसेल का रेडिएशन पानी का मार झेल रहा है। ईसेल का जो वेस्ट रॉक जाता है रॉ मटेरियल, उसका मार झेल का सामना करना पड़ रहा है। हर चीज के लिए आज तक 38 साल में उस क्षेत्र के लिए ना तो CSR फंड द्वारा कोई सुविधा, ना मूलभूत सुविधा का प्रदान किया गया, ना बरसात का समय ना ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया। वही दो UCL का मैनेजमेंट में दो ही पदाधिकारी है, जो दो ही पदाधिकारी मतलब वन मैन आर्मी बन के काम चला रहा है। एक SK शर्मा, दूसरा UCL का नरवा यूनिट में जो मनोज कुमार है, यही लोग का दोगलामी नीति का चलते ये लोग बार बार दोगलाई का काम करता है। और CSR फंड का जो मतलब मंदर बांट करने का काम जारी रखता है। क्या सौंपे आज? आज हम लोग DC महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, उसी का ये में संज्ञान को लेते हुए एक सप्ताह का हम लोग समय दिया है, अन्यथा एक सप्ताह बाद हम लोग 11-12 तारीख से फिर अनिश्चित काल के लिए हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। इधर टाटा स्टील और ट्यूब्स के कर्मचारियों को 20% बोनस मिलेगा। यूनियन नेताओं के द्वारा प्रबंधन पर बनाए गए दबाव के बाद प्रबंधन ने 20% बोनस देने का फैसला लिया। टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन ने सोमवार को बोनस समझौते का ऐलान किया। टाटा स्टील के CEO सह MD TV नरेंद्रन के साथ सोमवार सुबह 11 बजे MD ऑफिस में सालाना बोनस को लेकर यूनियन के साथ वार्ता हुई, इसके बाद इसकी घोषणा की गई। बताया गया कि बोनस की राशि 11 सितंबर को कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। समझौते के मुताबिक इस बार 11,676 कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। इसके लिए कंपनी 314.70 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जमशेदपुर और ट्यूबर्स के कर्मचारियों को 186.91 करोड़ रुपए बोनस मिलेंगे। इस कर्मचारी को औसतन
159,738 रुपए बोनस मिलेंगे। फुल अटेंडेंस वाले एनएस सीरीज के कर्मचारियों को न्यूनतम 42,561 रुपए बोनस मिलेगा। वहीं एक्चुअल अटेंडेंस वाले एनएस सीरीज के कर्मचारियों को अधिकतम 121,718 रुपए बोनस मिलेंगे। ओल्ड सीरीज के कर्मचारियों को अधिकतम 461,019 रुपए बोनस मिलेगा। टाटा वर्कर्स यूनियन से बहुत अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग कैसे 20% टारगेट को अचीव करें, तो 1.02% जो होता है वो 16 करोड़ रुपया होता है। 16 करोड़ बहुत मायने रखता है कि बियॉन्ड फार्मूला 16 करोड़ रुपया मैनेजमेंट से निकाली है, और ये कर्मचारियों के लिए खुशी का माहौल रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं अपने ऑफिस बेरर और हमारे कमेटी मेंबर का, जो हम लोग पर भरोसा रखा और हम लोग एक ऐतिहासिक बोनस 20% सेकेंड टाइम हम लोग इसको रिपीट किए सेकेंड टाइम। धन्यवाद। मैक्सिमम एक एम्प्लॉय जो होंगे उनका 4 लाख से ऊपर जाएगा, और जो नया ज्वाइन किए होंगे जो पिछला फाइनेंशियल ईयर में काम किए होंगे उनको 40,000 अप्रोक्स जाएगा। वहीं पोटका के जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल के भाई सागर मंडल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज हल्दी पोखर की सभी दुकानें बंद रही। वहीं भिलाईडी गांव के लोगों ने कहा कि फरार चल रहे मुख्य आरोपी सागर मंडल को प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। बता दें कि रक्षाबंधन के दिन भिलाईडी गांव के युवक सूरज सरदार के साथ बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसको लेकर भिलाईडी गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त है और प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस कारण से आज हल्दी पोखर के सभी दुकानें बंद रही। और वहीं विगत दिनों जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम परिसर क्षेत्र में विधायक सरयू राय द्वारा स्विमिंग पूल बनाने जाने को लेकर अब विरोध जोर शोर से शुरू हो चुका है। सूर्य मंदिर कमेटी एवं जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता ने मिलकर इसके विरोध में सोमवार को आक्रोश रैली निकाली। साक्षी स्थित आम बगान से यह रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पहुँच कर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस दौरान सभी ने हाथों में भगवा झंडा लेकर प्रदर्शन किया। खासकर इस प्रदर्शन रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बता दें विधायक सरयू राय ने सूर्यधाम परिसर में विगत दिनों स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया था और आगे वहां स्पोर्ट्स हब बनाने का प्रस्ताव भी दिया। इसी का विरोध मंदिर कमेटी एवं क्षेत्र की जनता कर रही है। मंदिर कमेटी के अनुसार सूर्यधाम आस्था का केंद्र है और आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जब से सरयू राय विधायक बने हैं तब से लगातार वे सूर्यधाम के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब इसे क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये उनको जानकारी देना चाहते हैं कि डीसी महोदय निर्दलीय विधायक सरयू राय द्वारा जो अनावश्यक छठ पर्व या छठ घाट या धर्म शुद्ध मंदिर के अंदर जितनी भी आपको देवी देवताएं हो सभी को नष्ट करना चाह रहे हैं। सूर्यधाम में विगत 4 साल से उन्होंने लगातार विवाद पैदा करना, हर वर्ष छठ पर्व से कुछ नया व्यवधान खड़ा करना, वैसे निरंकुश विधायक के खिलाफ, उसकी मानसिकता के खिलाफ छठ घाट में स्विमिंग पूल बनाना, संघ मैदान में बास्केटबॉल बनाना, इसके खिलाफ आज हम सब यहाँ आए हैं। अपना ज्ञापन पत्र गुरु मंदिर कमेटी के सदस्य सौंपेंगे और हम सबों ने अपना सांकेतिक विरोध बंद कर दिया है कि विधायक जी आप डर जाइए, अन्यथा जमशेदपुर की धर्मप्रेमी जनता आपको सुधार देना चाहते। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच केंद्र की मोदी सरकार पर गरीबों के करोड़ों रुपए लूटने का लगाया आरोप। कपाली पुलिस ने 2 मोबाइल और नकद के साथ चोर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आजाद नगर में ऑटो चालक और 2 पहिया वाहन चालक के बीच हुई झड़प। और एमजीएम अस्पताल के समीप 2 पहिया वाहन पर सवार नशेड़ियों ने चाकूबाजी की घटना को दिया अंजाम। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।